नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया चैनल। मैं बलिया जिले के उस जगह खड़ा हूं जिस जगह का नाम जो है पूरे उत्तर प्रदेश में आज रोशन हो रहा है। यहां की तीन बच्चियां जो कि उत्तर प्रदेश जूनियर फुटबॉल टूर्नामेंट के ट्रायल में पहुंच चुकी हैं और उम्मीद है कि उनका चयन भी हो जाएगा। और 15 से जो है 4 जुलाई तक जो जूनियर प्रतियोगिता नेशनल स्तर की होने वाली है उसमें वह खेलती हुई नजर आए। तो यहाँ के पर आप देख सकते हैं बच्चियाँ जो है अपना जो है प्रैक्टिस कर रही हैं। यहाँ का जो है काफ़ी स्कोप जो है देखा जाता है। यह बेलथरा रोड तहसील के सोनाडी स्थान है, देख सकते हैं आप। इसे जो है हमारे कम्पोजिट विद्यालय सोनाडी विकास खंड जनपद बलिया जो है लिखा हुआ है। यहाँ पे जो कोच हैं जो कोचिंग कराते हैं राम प्रकाश यादव जी और प्रेमचंद यादव जी, उनसे जो है मिलते हैं। उनके सहयोग से ही जो है ये बच्चियाँ जो है आज कामयाब नज़र आ रही हैं। तो आइए जो है चलते हैं और देख तरह का जो है लगन और मेहनत रहा है इस दौर में। और जहाँ तक मुझे जानकारी है वह कोई जो है उनको बहुत अधिक जो है पेमेंट नहीं मिलता है, एक तरीके से ऐसे अनुदान पे ही वह रखे गए हैं। तो कैसे जो है इन सब बच्चियों का जो खर्चा उठा पाते हैं और उनके बच्चियां जो है कितनी जो है मेहनत करती हैं, कितना जो है उनके तरफ से सहयोग मिलता है और किस तरह का जो है वो सहयोग करते हैं, और मेडलों की जो है भरमार जो है आपको यहाँ इस रूप में जो है देखने को मिलेगी। और चलिए जो उनके कोच से जो बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार आपका भारत मीडिया में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो आप अपना जो है छोटा सा परिचय देते हैं। मैं राम प्रकाश यादव सर, शारीरिक शिक्षा अनुदेशक, कंपोजिट विद्यालय सोनाडी में हूँ, 2013 से कार्यरत हूँ सर। तो आप मानदेय पे हैं? हाँ, संविदा पर हैं सर। संविदा पे जी। संविदा पे जो है आप यहाँ कार्य करते हैं। तो कितने बच्चे हैं इस समय, बच्चियाँ हैं आपके? बच्चियाँ तो लगभग 42-43 हैं सर। 42-43 जी जी। किस तरह का जो है आप उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं? और सर हम जब से शारीरिक शिक्षा जब से हमारा विद्यालय में चयन हुआ है तो हम चूंकि खेलकूद के अध्यापक रहे हैं तो सारी चीजों को अच्छी तरह से हम समझते हैं। हमने सर परिषद के रैलियों से शुरुआत किया है, बच्चियां काफी होनहार भी हैं, हम नियमित अभ्यास कराते हैं सर। विद्यालय पर आकर मैं नियमित अभ्यास कराता हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम चलता है सर। अपना विद्यालय में जो शिक्षण कार्य रहेगा उसमें पढ़ाएंगे भी, अतिरिक्त जो समय में मिल करके हम बच्चों को कार्य सिखाते हैं। तो सबसे पहले जो अंदर दिखा लेते हैं जो है बहुत सारे मेडल जो है प्राप्त किए हैं, किस तरह का जो उन्हें मेडल मिला है? सर कुश्ती में भी मेडल मिला है बच्चियों को, कबड्डी में मिला है, स्टेट चैंपियनशिप जब जब होती हैं जनपद बलिया से चयनित होकर के बच्चियां स्टेट चैंपियनशिप में प्रतिभाग करती हैं, और फुटबॉल में भी बच्चियाँ चयनित होती हैं जनपद मंडल आजमगढ़ का प्रतिनिधित्व बच्चियां करती हैं, और बाराबंकी में स्टेट चैंपियनशिप में भी कई सेमीफाइनल तक बच्चियां गई हैं, और अब बच्चियों में काफ़ी अच्छा सुधार हो चुका है सर। जी कितने सालों से जो है यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं? 2013 से सर। फुटबॉल का शुरू हुआ है सर? फुटबॉल को सर हमने 2018 में शुरू किया है सर। जी जी, मुझे विश्वास है कि आने वाले 1-2 सालों में हमारी लगभग 10 बच्चियां नेशनल खेलेंगी सर। तो एक बार जो है फुटबॉल के लिए जो है 2-3 प्लेयर आपको चुने हुए उत्तर प्रदेश जूनियर ट्रायल में, इसलिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद सर। बलिया जिला का जो है काफी बहुत ही नाम जो है रोशन हुआ है। नहीं नहीं ठीक है, वो दरअसल होता क्या है सर, बच्चियों को लोग आने नहीं देते। अगर बच्चियां आती तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ सर वो कहीं बच्चों से कमजोर नहीं है, और अगर हमको अवसर मिला तो मैं यहीं से नेशनल स्तर तक के प्लेयर और इंडिया स्तर तक के प्लेयर हम देंगे सर। एथलीट में भी बच्चियां हमारी अच्छा कर रही हैं, एक बच्ची मेरे पास है, मुझे उम्मीद है कि आने वाले 3-4 सालों में भारत के लिए खेलेगी सर। जी जी, वो 3000 मीटर दौड़ हम तो शुरू करने वाले हैं, थोड़ी बच्ची की उम्र जब हो जाती है तो बच्ची अपने देश के लिए मैराथन दौड़ेगी। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये बहुत सारे जो है ट्रॉफी लगे हुए हैं जी, ये कब की जो है? ये सर हम लोग एक दिन में जीती नहीं गई हैं सर, ये लगातार हम लोगों के संघर्ष की बदौलत हैं जो आप देख रहे हैं इधर अनेक ट्रॉफियां और बच्चियों तो लेकर के अपने ये 3 साल लगभग 3 साल के बीच में बच्चियों ने अवसर प्राप्त किया है सर। आपको 2013 से यहाँ
धीरे-धीरे आपने जो है डेवलप किया है, टीम बनाई है, अब 3 साल के अंदर जो ये रिजल्ट जो है आपको मिलने लगा है, इतने ट्रॉफियों के रूप में जो आया है, और 3 बच्चियां आपका जो उत्तर प्रदेश जो दुनिया फुटबॉल में जी सर, दरअसल होता क्या है कि बच्चियां हैं, सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, गार्जियन छोड़ेंगे कैसे, मुझ पर विश्वास कैसे करेंगे, बच्चियों को लेकर के जाना आना 3 दिन 4 दिन या जितने दिन प्रतियोगिता रहेगी छोड़ना लेकर के जाने आने में, तो जैसे ओपन की जब गेम खेलेंगे तो कोई सहायता तो मिलेगी नहीं, अपने स्तर से लेना है, आपसे ले लें, किस भैया से ले लें, चूंकि ये गार्जियन भी हैं एक बच्ची के और मेरे साथ रहते हैं, इनकी बच्ची एथलीट में बहुत अच्छा नाम करेंगे। पावर लिफ्टिंग में भी मेरे पास एक बच्ची थी, लेकिन अब उसके गार्जियन नहीं आने देते हैं, नहीं तो सर वो 23 किलो वजन में 46 किलो डेड लिफ्ट में उठाती थी बच्ची, हाँ इतना बहुत बढ़िया था, लेकिन अब घर वाले नहीं आने देते, धीरे धीरे हम इसको भी शुरू करेंगे सर, संसाधन हमारे पास नहीं है। जी हाँ सर, उसको कारण क्या रहा है? घर वाले कहते हैं कि हमारी लड़की वजन क्यों उठाने जाएगी, वजन उठाएगी तो इसके हाथ पैर खराब हो जाएंगे, अब ये सब चीजें हैं, तो इन सब चीजों से भी आपको अभी यहाँ पे पूछना पड़ेगा। देखिए सर, मुझको संसाधन से नहीं लड़ना है, पहले मानसिकता से लड़नी है। देखिए पावर लिफ्टिंग है सर, इधर चक्का फेंक रखा हूँ, फिर उधर नीचे गोला फेंक रखा हूँ, बच्चियों को आने जाने के लिए कैंपस का स्विच भी रखा हूँ, जब बच्चियां जाती हैं तो उनको स्विच देता हूँ, मेरे पास इधर 9 बॉल है, 1 बच्चियां लेकर के खेल रही हैं, उधर कोन रखा हूँ जिस पर टेढ़े मेढ़े करके बाल को लेकर के निकलना होता है, इधर तो ये जूते अब खराब हो चुके हैं, उधर मैं पावर लिफ्टिंग का ये रखा हूँ, ये डेड लिफ्ट में प्रयोग किया जा उसमें कहते हैं ब्रेंच प्रेस में प्रयोग किया जाता है, उसके बाद ये है इस पर बच्चियां बीम खींचती हैं, और सारी चीजें हैं, और उस बक्से में भी हमने ये देखिए एक सूज है, एक कबड्डी में और कुश्ती में प्रयोग किया जाता है, बाकी इसमें सारी चीजें, मैं हॉकी भी रखा हूँ, समय समय पर प्रशिक्षण देते रहते हैं, हॉकी का भी प्रशिक्षण देते हैं। हाँ हाँ जी जी, ये ये हॉकी वगैरह का जो आपके पास मौजूद है स्टिक, ये सर मैं तो मध्य प्रदेश से भोपाल से मंगाया हूँ, मेरे मित्र रहते हैं वो भी टीम चलाते हैं, मैं जो है काका 1200 रुपए की एक है, एक 1200 की है आपके पास? मेरे पास तो इस समय 10 है सर। नहीं नहीं सर, किसी संस्था से नहीं मिलता है, अरुण मार्ट साहब है हमारे साथ, तो थोड़ा सा सहयोग कर देते हैं, तो मित्र लोग हैं हमारे, कभी कभी सहयोग कर देते हैं तो हो जाता है, नहीं तो अपने पास से लगाता हूँ। ये सब चीजें जो है आप अपने पास से, कितना तनख्वाह आपको मिलता है? 7000 रुपए मानदेय मिलता है हम लोगों को। 7000 में पूरा जो है बच्चों को आप ट्रेनिंग भी कराते हैं और अपने पास से जो उनके साथ जो सामान का भी ख्याल रखते हैं, कैसे कर पाते हैं ये? सर अब कह लीजिए कि या तो पागलपन इसको कह लीजिए, या तो हमारा जुनून कह लीजिए, या आप सभी लोगों का आशीर्वाद कह लीजिए, या बच्चियों की मेहनत कह लीजिए, किसी न किसी तरह से मैं बच्चियों के लिए इतना जुटा, अब कैसे जुटा पाता हूँ हमको भी नहीं समझ में आता, लेकिन समय पर मैं क्षमता करके जुटा लेता हूँ सर जी। जो मैं ये कह रहा था कि आपको किसी तरह से इतना जो बेहतरीन जो है खेल आपका जो है यहाँ पे इंतजाम किए हुए हैं जी, बच्चियों को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, और सरकार भी जो है बच्चियों को जो खेल कूद को बढ़ावा देती देने के लिए जो तत्पर है, तो इसमें क्या सरकारी मदद आपको नहीं मिल पाती है? नहीं सर, बेसिक शिक्षा परिषद में जो जूनियर के विद्यालय होते हैं कक्षा 6 से 8 तक, उनको 10000 रुपये मिलता है खेल कूद के लिए, और जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनको 5000 मिलता है, लेकिन उस 10000 रुपये से नहीं हो पाएगा सर, इसलिए कि हमारे पास 40-42 बच्चियां हैं, एक बार बूट लाएंगे तो 25000 का 30000 का बूट ही हो जाएगा, शौक से लेंगे तो एक एक का 100-100 रुपये मिलेगा, 3000-4000 का बूट सूज हो जाएगा, बूट हो जाएगा, तो संभव नहीं है ना कि सरकार दे पाएगी। जो खेलने वाली बच्चियां भी हैं उन चूंकि इधर की आसपास की ही होंगी? हाँ, अपने गांव की हैं, सोनाडी की हैं, कुछ टंगुनिया की हैं, गौरी की हैं, दूध की हैं, भेंडकुल की हैं, तो उनके तरफ से भी कुछ मदद होती है? नहीं, बच्चियां मदद नहीं कर पाती हैं, सारा जो इंतजाम आप? हाँ, चूंकि परिसर में पढ़ने वाली बच्चियां कमजोर घर से आती हैं, तो अगर मैं नहीं दे पाऊंगा तो फिर वो खेल नहीं पाएंगी, मेरी भी मजबूरी है तो अपने पास से देता हूँ। तो
अभी तो जो है मान लीजिए 3 बच्चियां आपकी उत्तर प्रदेश जो है में चयनित हुई हैं, तो सरकार की तरफ से क्या उम्मीद है आपको जो है इस खेल को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पे कुछ मदद मिलने की उम्मीद है? अब सरकार को, अब जैसे आप लोगों के माध्यम से अगर ये बात पहुँचती है, अधिकारी लोग अवगत होते हैं, तो हो सकता है कि कुछ मदद करने चाहें तो कर दें, नहीं तो नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, हम लोग कर भी तो नहीं। आपका जज्बा जो है कहीं खत्म नहीं? नहीं सर, खत्म तो नहीं होगा। जी 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 जी, मैं एक गांव का नागरिक हूं और 2005 तक फुटबॉल खेला हूं, करीब 1980 से लेकर 2005 तक मैं फुटबॉल खेला हूं। विशेषकर मैं फुटबॉल की ट्रेनिंग देता हूं बच्चों को। आप एक नागरिक के रूप में है, नाम प्रेमचंद यादव, लेकिन करीब करीब 3.5 साल से मैं घर का अपना कोई काम नहीं करता। आपको हम लोग जो है यहाँ पे अभी GMM इंटर कॉलेज में फुटबॉल का टूर्नामेंट हुआ तो उसमें भी देखे थे, आप वहाँ भी जो है काफी लगन के साथ बच्चियों के साथ जुड़े? जी जी जी, कहीं भी सर प्रदेश में कहीं भी टूर्नामेंट होता है तो हम लोग दोनों लोग जाते हैं, लेकिन क्योंकि फुटबॉल में हमारी लगन ज्यादा है तो बच्चे हमारे कैसे प्ले करें, कहाँ से कट रहे हैं, क्या पैर लग रहा है, उनको मतलब सजेशन मैच में भी देते रहते हैं और यहाँ भी बताया जाता है, जिसके वजह से हम लोगों के लगन से हमारे बच्चे कुछ आगे बढ़ रहे हैं। अब भविष्य में हम उम्मीद करते हैं कि ये आपके यहाँ आजमगढ़ मंडल के बच्चे, आपके सोनाडी के बच्चे, आपके बेलथरा और तहसील के बच्चे, आपके जिले के बच्चे आगे चलकर भारत के लिए खेलें और भारत के लिए मेडल उपलब्ध कराएं। मेरा जज्बा यही है और मैं एथलीट में भी ईश्वर से आशा और उम्मीद करता हूं कि एथलीट में भारत के लिए मेरी बच्चियां मेडल लाकर उनके झोली में डालें, यही तमन्ना है। और इसी जज्बे के साथ ये एक तरह से सर जैसे लोग कहते हैं देहात में कि एक शराबी जो है उसको शाम को एक बोतल शराब चाहिए और उसका इंतजाम कर लेता है, ठीक सर इसको पागलपन कहिए या एक शराबी का नशा कहिए, इसके बिना हम लोगों को चैन नहीं है। अगर किसी के उत्थान के लिए अगर जो है इस तरह का नशा जो करना पड़े तो जो सबको करना चाहिए कोई जी इस तरह का जो है तो ये ठीक वही जुनून है और हम लोग इसके लिए देश के किसी भी कोने में रहे लेकिन एक व्यक्ति इस ग्राउंड पर मौजूद, जाड़ा गर्मी बरसात जो भी समय हो मौजूद रहते हैं सर। तो ये खेल अनुदेशक हैं, उनके साथ आप उनके जुड़ जाएं। जी जी जी, मैं तो हाँ हम लोगों के बड़े भाई हैं, गांव के हैं तो सब लोग, हम भी सुनेडी के हैं तो गांव में एक ही गांव में है तो सबसे सबका परिचय संबंध है, भैया रहते हैं खेल प्रेमी हैं तो हमने भाई जब खेल प्रेमी हैं तो खेल प्रेमी से जुड़ गए हैं तो हमको भी अच्छा लगता है, गार्जियन भी हैं, बच्चियाँ जाती हैं तो साथ में भी रहते हैं तो अच्छा रहता है। आप लोग जो है साथ ही बच्चे जी, साथ जी, जाते जी, जी 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 जी, अगर मेरे परिचय का भी है सर, 2 आदमी के अलावा अगर परिचय का मेरे गांव का ही है उसके साथ हम लोग बच्चियों को नहीं छोड़ते हैं। सबसे बड़ी ये बात है कि अगर उनके माता पिता मेरे पास छोड़े हैं तो अपने से अधिक मेरे पर विश्वास करते हैं, इसलिए मेरा मित्र भी हो उसके साथ मैं अपने बच्चियों को नहीं छोड़ता, उनके घर तक छोड़ने के बाद ही अपने घर जाते हैं जब कहीं से खिला कर लेकर आते हैं, तो ये है तमाम बारीकियां भी है, उनको हम लोग अपने रखते हैं। जी आस नहीं, बाहर के नहीं सर, सब आसपास के, सभी गार्जियनों को जो है आपको पूरा जो है भरोसा? जी भरोसा है, भरोसा तभी तो छोड़ते हैं सर। एक पिछले बार एक बच्ची मेरी साई हॉस्टल के लिए सेलेक्ट हुई थी फुटबॉल में, तो उस समय एक महीना बच्चियों को लेकर हम बाहर बाहर ही थे सर। हाँ, कोई कबड्डी का मैच हुआ, फिर फुटबॉल का मैच हुआ, फिर एक फुटबॉल का मैच हुआ, फिर दौड़ हुई, उसके बाद हम उनको रांची लेकर गए, 9 बच्चियों को लेकर गए थे जिसमें 2 बच्चियों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन कोरोना काल के कारण बुलाया नहीं गया, कैंसिल हो गया, सिलेक्शन हो गया था साई हॉस्टल, जो सरकार 4.5 लाख रुपया एक बच्चे पर एक साल में खर्च करती है। नहीं इस समय एक तो है लेकिन दूसरी बच्ची छोड़ दी, अब उसके घर के गार्जियन की वजह से जो भी रहा आप लोगों का लगन जो है बना रहे और हमारे जिले का जो है। धन्यवाद सर, और हम लोग चाहेंगे कि आप लोगों का, क्योंकि चौथा स्तंभ आप लोग हैं सर और आप लोग अगर हमारे साथ खड़े रहे तो हम विश्व में भी अपना नाम कर सकते हैं सर। धन्यवाद सर। आप देख रहे थे यहाँ पे सर, आपका नाम क्या था? राम प्रकाश यादव और
राम प्रकाश यादव जो खेल अनुदेशक हैं और उनके साथी के रूप में प्रेमचंद यादव मौजूद हैं, इनकी भी जो है कम भूमिका नहीं है। जब भी जो है साथ जाते हैं दोनों लोग एक साथ जाते हैं और इन्होंने जो है 3.5 साल से अपने घर का एक कार्य नहीं किया है। बच्चियों पर जो है सब कुछ जो है ये ध्यान देते हैं। इनकी भी एक बच्ची है, उससे भी आपको मिलवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि उसके अंदर जो है क्या प्रतिभा है। भारत मीडिया के लिए इस अहमद के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट, आप देखते रहें भारत मीडिया चैनल।